आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान की टीम ने खराब प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के दौरान वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट ने कई अजीबोगरीब अटपटे बयान दिए, जिसकी वजह से फैंस ने उनका मजाक उड़ाया। बहरहाल पाकिस्तान की टीम अब अपने वतन लौट चुकी है, लेकिन उसके क्रिकेट एक्सपर्ट चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट अब भारतीय टीम पर कमेंट कर रहे हैं। रविवार को पाकिस्तान के एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने एक स्पोर्ट्स शो में आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी को जानबूझकर प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट ने आरोप लगाया, मोहम्मद शमी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, वो 15 विकेट ले चुके थे, लेकिन उन्हें मुस्लिम होने के चलते प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। आपको बता दें, शनिवार को टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ शमी को आराम देकर जडेजा को मौका दिया था। भारतीय टीम ने टीम में दो बदलाव किए थे। युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिली थी। टीम ने लीड्स की पिच को देखते हुए ये फैसला लिया था। दरअसल लीड्स की पिच स्पिनर के लिए बेहतर थी, इसलिए टीम इंडिया ने शमी की जगह जडेजा को वर्ल्ड कप में पहली बार मौका दिया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।